नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। और आज का हमारा प्रोग्राम रोजगार बनाम लाठी। दरअसल बिहार में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की परीक्षा के रिजल्ट को छात्र लेकर के नाराज हैं और बिहार के कई जिलों में आंदोलन भी कर रहे हैं। छात्रों का जो गुस्सा है वो भड़का, तो उन्होंने गया में एक ट्रेन में भी आग लगा दी। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा को लेकर भड़की चिंगारी अब बिहार से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गई है। रोजगार की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद मामला बिगड़ गया, तो वहीं यूपी में चुनाव के बीच विपक्ष के पास सरकार को घिरने के लिए बैठे बिठाए एक मौका हाथ लग गया और वो इसे रोजगार बनाम लाठी का मुद्दा बना रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रेलवे परीक्षा में हुई धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन उग्र हो गया है। बिहार से लेकर यूपी तक छात्र रेल पटरियों पर आंदोलन कर रहे हैं। बिहार में छात्रों के आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया है। इस कड़ी में गया में आंदोलन के दौरान छात्रों ने ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। जरा सुनिए इस मामले में छात्रों का क्या कहना है। परिवार का लड़का है, गरीब को आप राशन दे दीजिए 5 किलो 10 किलो, बड़े लोगों को कर्ज दे दीजिए। ये हम जितने दिख रहे हैं ना मध्यम वर्गीय, हम लोग के लिए कुछ नहीं है। एक नौकरी है वो खत्म कर दीजिए आप। हम लोग इसी उम्मीद से ना है 5-6 हज़ार महीना में खर्च करते हैं कि हम भाई कुछ कर ले, हम इतना कमा ले कि हम थोड़ा ढंग का पहन ले, ढंग का खा ले, ढंग से जीवन जी ले। कौन 30 हज़ार में हम ताजमहल बनवा लेंगे? 30 हज़ार में क्या कर लेंगे? हम तो जी लेंगे। और आपका बाप का पैसा का नहीं जियेंगे, वो हमारा टैक्स का है। आपका बाप के पैसा कोई सरकार नहीं देती है। हमको नौकरी में कोई कहता हुआ कि रोजगार कहाँ से दे, तो ना बाप की वजह से नहीं दीजिएगा ना। आप इस्तेमाल कीजिए, आप उसमें निकालिए। रेलवे के मुताबिक अब तक छात्र आंदोलन में लगभग 3 करोड़ की रेलवे संपत्ति का नुकसान कर चुके हैं। छात्र आंदोलन को एक हफ्ते पहले सरकार और रेल मंत्रालय की तरफ से नजरअंदाज किया गया था। अब सरकार और रेल प्रशासन के लिए ये आंदोलन कठिन चुनौती बन गया है। आपकी जो ग्रीवेंसेस, जो कंसर्न्स, जो पॉइंट्स अभी तक उभर के आए हैं, उन सब पॉइंट्स को हम सीरियसली एड्रेस करेंगे। जैसे ही रिजल्ट निकला, आपने जब मुद्दे रेज किए थे, हम लोगों ने ट्रांसपेरेंटली आपके सामने शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट रखा था। फिर भी आपके मन में संशय है, मैं मानता हूं कि आपके मन में संशय है, इसको मैं समझ भी सकता हूं। मैं भी इसी तरीके की प्रणाली से गुजरा हूं, समझ सकता हूं इसको मैं। इसलिए एकदम सीरियसली आपके सारे पॉइंट्स को लेंगे। मेरा निवेदन है कि कोई भी छात्र कानून को हाथ में न लें, और जो कमिटी बनाई है और हर एक आरआरबी के चेयरमैन को बोला गया है कि आप जहां पर भी जो भी अपने कंसर्न्स आपके सामने फॉर्मली इनफॉर्मली रखना चाहे, आप उनकी बात सुनिए और उसको सारे कंसर्न्स को कंपाइल करिए, कंपाइल करके कमिटी के पास भेजिए। और कमिटी आपके साथ डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर रही है। एक ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आपके सामने पब्लिसाइज किया गया है। इसके अलावा कमेटी फिजिकली भी देश की कई जगह में जाके आप लोगों से मिलेंगी। तो मेरा निवेदन है सबसे पहले कि आप इसको मुद्दे को, इस बात को सीरियसली लें, और रेलवे आपकी खुद की संपत्ति है, इसको सुरक्षित रखें और कानून को हाथ में न लें। इसको भी हम बहुत सेंसिटिवली सॉल्व करेंगे। हमारे लिए छात्र हमारे साथी है, हमारे भाई है, हमारी बहन है जो एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हम इसको बहुत सेंसिटिव। सर, एक तस्वीर और दिखाई पड़ी बच्चों पर लाठी चार्ज, कल रात को आपने देखा, अगर तस्वीरें दिखाई हो हॉस्टल में। मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि जो लोग किसी भी अपनी खुद की संपत्ति को अगर जलाते हैं। आंदोलन की जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई तो पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई और स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। वहीं छात्र अब किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस ने छात्र आंदोलन पर
1000 से ज्यादा छात्रों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आंदोलन को उग्र बनाने के लिए पुलिस खान सर को इसका दोषी मान रही है। पुलिस ने खान सर समेत कई लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया है। आइए आपको सुनाते हैं खान सर ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या कहा। आरआरबी ने जो अभी स्टेप लिया है अगर ये उसको वो 18 तारीख को ले लेता जो हम लोगों ने 8 मिलियन ट्वीट कराया था तो इतना उपद्रव नहीं होता। लड़कों ने भी जो किया आरा में वो गलत है, कहीं से भी हिंसा स्वीकार नहीं है। हम एज ए टीचर उसकी हम निंदा करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आरआरबी ने एक अच्छा स्टेप लिया है कि उसने सारे स्टूडेंट से अपनी सुझाव 16 फरवरी तक मांगा है और हर एक आरआरबी से कहा है कि वो लोग अपनी रिपोर्ट 4 मार्च तक दे। इसके बाद क्या होगा तभी कह सकते हैं। अभी कमेटी बैठाई गई है, 5 मेंबर की कमेटी है। रेलवे को आरआरबी को ये काम पहले कर लेना चाहिए था, ऐसा विवाद नहीं होता। 2019 की वैकेंसी में जो नोटिफिकेशन आया था उसको अचानक आप 15 दिन पहले कहिएगा तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में होगा ही। देखिए ये गलत बात है, ये कुछ जो ऐसे स्वतंत्र यूट्यूबर घूमते हैं ना वो कुछ भी बोल देते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है, आप इसको समझिए। आप सब लोग चूंकि प्रतिष्ठित मीडिया से हैं, आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप मतलब चीज़ों को सही मायने में पहुंचाएं। देखिए हम लोग हैं जो रोक के रखे हैं, आप अगर हमारे चीज़ों को देखेंगे, हमारे YouTube को 1 हफ्ते से फ्रीज कर लिया गया है। जो वीडियो डाल रहे हैं अगर उस पर आरआरबी लिख रहे हैं तो वो डिलीट कर दे रहा है। अभी भी हमारे वीडियो हम उसको डाले भी हैं यहाँ पर, हम लोग रोक के रखे हैं। बिहार से शुरू हुए इस आंदोलन की आग अब यूपी तक आ गई है। वहीं यूपी के प्रयागराज में भी छात्रों ने सड़क पर उतर कर अपना मोर्चा खोल दिया है। प्रयागराज में पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। एक वीडियो में पुलिस छात्रों को हॉस्टल के कमरे से निकालकर उन पर लाठियां बरसाते हुए दिखाई दे रही है। प्रयागराज प्रशासन ने कई छात्रों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और छात्रों से शांत रहने की अपील की है। प्रयाग स्टेशन पर करीब 1000 से भी ज़्यादा छात्र इकट्ठे हो गए थे और रेलवे ट्रैक जाम कर रहे थे, रेलवे में इंजन में आग लगाने का भी प्रयास कर रहे थे। तो इस सूचना पे, चूँकि गंभीर सूचना थी, हमारी तमाम पुलिस टीमें दंगा निरोधक उपकरणों से लैस होकर के मौके पर पहुँची थी और छात्रों को समझा बुझा करके वहाँ से हटाया जा रहा था। लेकिन उसमें से कुछ उपद्रवी छात्रों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया और नारेबाजी करनी शुरू कर दी। पुलिस ने तब भी धैर्य का परिचय दिया, बहुत ही धैर्य का परिचय दिया और उनको वहाँ से हटाते रहे। इसके बावजूद भी कुछ उसमें उपद्रवी तत्व थे जिन्होंने पथराव करने के बाद वहाँ आसपास जो लॉज थे, जो छात्रों के रहने की जगहें हैं, वहाँ वो घुसने लगे, छिपने लगे। तो पुलिस के लिए ज़रूरी हो गया था कि वो वहाँ पे जाएं लॉज में और उपद्रवी छात्र या उपद्रवी जो छात्र के आवरण में वहाँ पे लोग घुसे हुए हैं, गुंडा तत्व, अराजक तत्व, उनको आइडेंटिफाई करके बाहर निकालें। इसके लिए हमारी टीमें गई हुई थी, काफ़ी हद तक उनको सफलता भी मिली है। 2 नामजद अभियुक्तों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है, प्रदीप यादव और मुकेश यादव, जबकि राजेश सचान नामक युवक जिसने सोशल मीडिया पर भ्रामक और उकसाने वाली टिप्पणी की थी, वो अभी फरार है। उसकी 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी उसकी भी सुनिश्चित की जाएगी। तो इस पूरे प्रकरण में एक वीडियो भी छोटा सा वायरल हुआ था जिसमें कुछ पुलिसकर्मी अनावश्यक बल प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे थे, तो उन पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया गया। उसमें मोहम्मद आरिफ खान कांस्टेबल, दुर्वेश कुमार और अच्छे लाल, ये तीनों पुलिसकर्मी, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ कठोरतम विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। रेलवे की आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा का रिजल्ट बीती 14 जनवरी को आया था। रिजल्ट आने के बाद से ही कई छात्र इसे लेकर नाखुश नजर आ रहे थे, जिसको लेकर छात्रों ने रेलवे प्रशासन से शिकायत भी की थी, मगर रेलवे प्रशासन ने इस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे नाराज होकर छात्रों ने ट्विटर पर पीएम को ट्वीट कर आंदोलन चलाया, जिसको ट्विटर का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बताया जा रहा है। जिसका छात्रों को किसी तरह का जवाब नहीं मिला।
रोजगार की उम्मीद लिए बैठे छात्रों के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी और देखिए बिहार से चला ये आंदोलन अब अलग अलग जिलों तक बढ़ता जा रहा है और इलाहाबाद मुगलसराय जो कि अब दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है और दिल्ली की बात करें तो अब छात्र हर जगह के उग्र होते जा रहे हैं और उनका कहना है कि हम इस बात को लेकर के अब प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीके से शांतिपूर्ण पहले प्रदर्शन किया गया, इसके बाद प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। तो हालांकि आपको बता दें कि पूरा मुद्दा क्या है, दरअसल आरआरबी ने 2019 में एनटीपीसी के 35,000 पदों पर भर्ती निकाली। इसके बाद कोरोना एग्जाम आने थे लेकिन कोरोना आने की वजह से एग्जाम टल गया और परीक्षा 2021 में हुई। इसके बाद अब जब उसका रिजल्ट आया है तो इसी को लेकर के पूरा बवाल मचा हुआ है। दरअसल रिजल्ट में धांधली का आरोप लग रहा है, तो रिजल्ट में आरोपों को लेकर के ये पूरी जो मुद्दे को हवा दी जा रही है और कहा जा रहा है कि जो रिजल्ट आया है इसमें धांधली की गई है। दरअसल जो रिजल्ट था उसको 20 गुना करके अभ्यर्थियों को लिया जाना था, लेकिन जिन अभ्यर्थियों को लिया गया है तो अगर पांच पद की अगर हम बात करें, अगर पांच पदों पर यह वैकेंसी है तो एक ही बच्चा यानी जिस बच्चे की अगर 100 में 96 नंबर आए हैं तो वो सभी पदों के लिए उसको गिना जा रहा है। सिर्फ पांच पद है तो पांच पदों में उसकी काउंटिंग की जा रही है, यानी पांच पदों पर उसको बताया जा रहा है कि आप उसकी गिनती, और इस तरीके से अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट जारी किया गया इस तरीके से जारी किया गया। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को कहना है कि अगर ये यूनिक नंबर होते, यानी एक अभ्यर्थी को अगर एक ही काउंट किया जाएगा तो हमारा भी नंबर उसमें शामिल होता। और इसी पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। तो आशीष तिवारी जी, आप सबसे पहले जानना चाहेंगे जिस तरीके से पहले आरआरबी 2019 में एनटीपीसी के 35,000 पदों पर भर्ती निकालती है, इसके बाद 2021 में परीक्षा लेती है और अब जब रिजल्ट आता है तो इसमें धांधली के आरोप लगते हैं, तो किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? आप देखिए 2019 में परीक्षा ली गई, बिल्कुल दो साल बाद आपने रिजल्ट दिया, वो भी रिजल्ट त्रुटिपूर्ण है। एक ही छात्र का नाम रिजल्ट में चार चार जगह दिखा रहा है और ऐसे कई छात्र हैं जिनका नाम चार से पांच जगह दिखा रहा है और सबके नंबर अलग अलग दिखा रहे हैं। छात्र वही है, उसके पिता का नाम वही है, उसका रोल कोड वही है, रोल नंबर वही है, उसके मार्क्स अलग हो जा रहे हैं। पहली बार जब आप उसका नाम दिखा रहे हैं तो कुछ अलग मार्क्स है, नीचे फिर उसी छात्र का नाम दिखा रहे हैं तो कुछ अलग मार्क्स है। पूरी धांधली हुई है, सारी सीटें बेच दी गई है, पूरा करप्शन हुआ है। जैसे ट्रेन की बर्थ दलाल बेच लेते हैं ना, वैसे ही सीटें आरआरबी ने बेच ली। तो ये छात्र क्या करें मुझे बताइए, क्या गुलाब का फूल लेके रेल मंत्री के पास ये छात्र जाते तो वो मिल लेते इन लोगों से और मिल लेते और उनकी बात सुन लेते और आरआरबी पर कार्रवाई कर देते क्या? किस तरह का प्रोटेस्ट करे छात्र? काली पट्टी लगा के छात्र रोड पर घूमने लगेंगे तो क्या हमारे हमारी सरकारें उनकी बात सुन लेंगी? इतनी सब ये सरकारें नहीं है। तो इन छात्रों को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। आंदोलन पर जब छात्र उतरे तो फिर भाजपा और जदयू वालों ने अपने गुंडे घुसा दिए, कुछ ट्रेनों में आगे लगवा दी, अब छात्रों पर मुकदमे कर रहे हैं। छात्रों को क्या कहा जा रहा है? उपद्रवी। शब्द देखिए, हमारे बीच के छात्र 20-25,000-30,000 की नौकरी के लिए बेचारे कितनी मशक्कत करते हैं, उनके माँ बाप अपनी जमीनें गिरवी रख देते हैं। रेलवे कोई मुफ्त में परीक्षाएं नहीं लेता है, फीस के नाम पर 600 रुपए वसूलता है, फीस के नाम पर भी 600 रुपए गरीब बच्चों से वसूलता है और दो साल बाद इनके रिजल्ट में तुम त्रुटिपूर्ण रिजल्ट दे रहे हो और उसके बाद जब ये बच्चे करें कि रिजल्ट सुधार दो तो आप इनको उपद्रवी भी कह रहे हैं। क्या करें छात्र भाई, कैसे अपना अधिकार लिया जाए कोई बता दो मुझे। जी, जब भी कोई विद्यार्थी गुजर रहा है, जी बिल्कुल, जब भी कोई विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी में उतरता है तो एक लंबा समय वो संघर्ष करता है और इसके बाद परीक्षा होती है, लेकिन जब इस तरीके की सामने आती है, जब धांधली होती है, लेकिन क्या इसमें कहीं ना कहीं राजनीति नहीं दिख रही? जिस तरीके से जो कहें हम कि जब चुनाव पास आते तो वैकेंसी आ जाना और दोबारा चुनाव पास आते ही इस तरीके के रिजल्ट आ जाना और ये दिखाना कि हमने इतनी वैकेंसी पूरी कर दी और इतने छात्रों को हमने नौकरी दे दी, तो क्या इसमें राजनीति एंगल कहीं नहीं दिख रहा? देखिए क्या है कि अब इनकी राजनीति क्या है ये जाने, लेकिन ये इस बार ना अपने कुकर्मों में उलझ गए हैं, इनके पाप का खड़ा भर गया है और इनका जो डबल इंजन है ना उसकी इंजन आवाम फूकने लगी है।
ये डबल इंजन का इंजन आवाम फूकने लगी है, क्योंकि आवाम समझ गई है कि इनका इंजन आवाम की शरीर पर से गुजरने लगा है, इनका इंजन शहर गांवों को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा है, इनका इंजन गरीबों के ऊपर से दौड़ने लगा है, इसलिए अब आवाम इंजन फूकने लगी है। इनकी सारी जो ये घटिया नीति है जिसे आप राजनीति कह रहे हैं ना, ये इनकी जो घटिया नीति है इसको लोग समझ गए हैं और इस बार इनका पुख्ता इरादा ये छात्र ही करेंगे, आप देखिए। लेकिन उनका तो कहना है कि विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया है, हम तो इस पर छात्रों के साथ खड़े हैं और छात्रों को बुला लिया है और उनको समझाया जाएगा उन्हें दिक्कत कहां पर आ रही है, लेकिन विपक्ष इसको जबरदस्ती बनाने का प्रयास कर रहा है और बैठे बैठाए उसको एक मुद्दा मिल गया। ये जो भी कह रहा है वो निहायत ही मूर्ख आदमी है, निहायत ही मूर्ख आदमी है कि वो कह रहा है कि विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। उस मूर्ख को आप कहिए कि बैठे बिठाए मुद्दा नहीं मिला है, लाखों छात्र सड़कों पर उतरे हैं तब मुद्दा मिला है, हजारों छात्रों की सिर तोड़ दिए गए डंडों से मार के तब मुद्दा मिला है, हॉस्टल में राइफल के कुंदों से दरवाजे तोड़ के छात्रों को पीटा गया तब विपक्ष को मुद्दा मिला है, बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा नहीं मिला है। जब तुम आतताई हो गए, अत्याचारी हो गए, आत्मा घुस गई हिटलर के तुम्हारे अंदर, तब विपक्ष को मुद्दा मिला है। इसलिए उस मूर्ख को, जिस मूर्ख ने आपको कहा है ना बैठे बिठाए मुद्दा मिला है, कहिएगा कि असित नाथ तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि तुम निहायक मूर्ख हो, तुमको राजनीति की वक्ती बात समझ नहीं है और तुम जिस भी राजनीतिक दल में हो वो मूर्खों की एक जमात, कहिएगा। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि जो ये स्टूडेंट्स हैं इनके साथ कांग्रेस कहां खड़ी है, क्या स्टैंड है उस कांग्रेस का? हम बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं। देखिए, कांग्रेस हर अहिंसक आंदोलन के साथ खड़ी है, जहां हिंसा है वहां कांग्रेस नहीं है। हम पहले ही कह रहे हैं, स्पष्ट कह दे रहे हैं, हिंसा कीजिएगा हम आपका समर्थन नहीं करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से अहिंसक आंदोलन कीजिए। हमने दुनिया में जिनका सूरज नहीं डूबता था उन अंग्रेजों को अहिंसक आंदोलन से हरा दिया, तो ये मुट्ठी भर ये चड्डीधारियों को उठा के फेंकने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन अहिंसक आंदोलन से इन मुट्ठी भर चड्डीधारियों को इनकी औकात बतानी है। तो कांग्रेस का क्या स्टैंड होने वाला है, क्या एक्शन वो लेने वाली है? हम है छात्रों के अहिंसक आंदोलन के साथ खड़े हैं, जहां जरूरत होगी वहां आपको मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आपने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना आसित नाथ तिवारी को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस का स्टैंड इस पर क्या है और वो पूरी तरीके से स्टूडेंट के साथ खड़ी है।